हेलो फ्रेंड, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि बाइक का जो बैटरी है, बाइक का बैटरी से आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगा वो है एक रेगुलेटर आईसी के 7805 और कैपेसिटर चाहिए। 16 वोल्ट का ले सकते हो या 40 वोल्ट का भी ले सकते हो, और आप डायरेक्ट सोल्डिंग सर्किट के हिसाब से आप डायरेक्ट भी सोल्डिंग। और जब बोर्ड रेडी हो जाएगा तो एक हीट सिंक की ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि ये जो आईसी है ये बहुत ही हीट होता है, तो इसलिए हीट सिंक का यूज़ करेंगे कि आईसी का हीट थोड़ा कम हो। इसलिए जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा सबसे लास्ट ये वाला हम असेंबल करेंगे। डायग्राम दिखा देते हैं। यहाँ आईसी जो है 3 पिन का आईसी यहाँ रहेगा और इधर इन होगा और इधर आउट होगा। पिन 1 नंबर पिन में इनपुट होगा, बाइक का जो बैटरी है वो बैटरी से इन होगा यहाँ पर, और जो पिन नंबर 3 है यहाँ पर मोबाइल जाएगा यहाँ से। और दोस्तों, कैपेसिटर के जो ग्राउंड कनेक्शन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो का ग्राउंड कनेक्शन है यहाँ, तो ये ग्राउंड में एक ग्राउंड होगा। सर्किट के हिसाब से आपको आप डायरेक्ट भी सोल्डिंग कर सकते हो या पीसीबी का भी हेल्प ले सकते हो। तो इस पीसीबी में रेगुलेटर आईसी को सोल्डिंग करेंगे और कैपेसिटर भी सोल्डिंग करेंगे, यहाँ सोल्डिंग करेंगे। और यहाँ पर मैंने ब्लेड लेके थोड़ा सा कनेक्शन काटा है, यहाँ पर कनेक्शन काटा है क्योंकि नहीं तो ये वाला 1 नंबर और 2 नंबर 1 नंबर और 3 नंबर जो पिन है वो शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ से मैंने कटिंग कर दिया है। यहाँ पर रेडी हो गया और यहाँ इनपुट होगा 12 वोल्ट का बैटरी का, और मोबाइल चार्ज करने के लिए OTG या C टाइप का केबल भी आप यूज़ कर सकते हो। और सब कुछ तो हो गया और यहाँ पर, और दोस्तों हीट सिंक भी लगा दिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर कैपेसिटर जो पहले वाला लगाया था वो वाला चेंज किया, यहाँ पर लगाया मैंने 1000 mFD 16 वोल्ट का। दोनों वायर को पहले कनेक्ट किया, अब चेक कर ले चार्जिंग हो रहा है यहाँ पर।